Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and staying safe at home. Today is 24th of April 2020, and today we are having EVS class. Our topic of today is healthy and good habits. What do you mean by habits? Habits ka matlab kya hota hai? Habits ka matlab hota hai aadatein jo hum daily karte hain. और अगर हम लोग अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक हमारी आदतें रहेंगी तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे. तो आज अपने हेल्दी हैबिट्स और गुड हैबिट्स के साथ मैम स्टार्ट करती है. फर्स्ट, ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. टेक अ बाथ. Eat healthy food. Pray to God. भगवान को याद करना बहुत जरूरी है. And study and do your HW. Now see, healthy habits, basic healthy habit. Early to bed, early to rise. मतलब जल्दी बेड पे जाना और जल्दी सुबह उठना. ब्रश ट्वाइस अ डे. अपनी दांतों को हमेशा साफ रखना है दो बार, सुबह में और शाम को. टेक अ बाथ एवरी डे. आप लोग तो नहाते हो ना, गर्मी का समय है. वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट हेल्दी हैबिट. आपको अपने हाथों को 20 सेकेंड तक धोना है, और हैंड वॉश से या किसी भी नॉर्मल सोप से, है ना, क्योंकि कोरोना से दूर रखने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ ईट हेल्दी फूड. अभी जो मम्मा खाना बना के देती है, ग्रीन वेजिटेबल, आपका राइस, पल्सेस, सब खाना है. गंदी गंदी चीज़ें नहीं, बाहर की चीज़ें को अवॉइड करना है. एंड सी, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड. जो फूड कवर्ड नहीं होते हैं, बाहर के होते, देखो यहाँ मक्खियाँ उड़ रही हैं, फ्लाइज उड़ रही हैं, उन खाने को नहीं खाना है. कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज. अपने नाक को और मुंह को बंद करके रखना जब आपको खांसी होती है, क्योंकि आप जब खांसोगे तो उसका जर्म्स दूसरे को पट जाएगा. यू शुड टेक मॉर्निंग वॉक बट डोंट गो आउटसाइड ऑफ द हाउस. अपने घर के बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है. डेली एक्सरसाइज, घर में एक्सरसाइज भी करना है. नाउ कम टू गुड हैबिट्स, बेसिक गुड हैबिट्स. सी, घर में रहना है तो अच्छे से रहना ना, सेफ रहना, शैतानी भी नहीं करना, मम्मा को परेशान भी नहीं करना है. सो डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. आप अपने सीढ़ी से ऊपर नीचे नहीं करेंगे. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. आपके घर में दादा दादी नाना नानी होंगे, उनका आदर करना है, और अभी उनको भी परेशान नहीं करना है, उनको भी कोरोना में बचा के रखना है. नाउ डू वॉक इन अ लाइन. स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन द लाइन. व्हेन यू आर इन द स्कूल यू शुड वॉक इन अ लाइन. जब स्कूल में होते हो तो लाइन में चलना होता है. हेल्प ओल्ड पीपल. अपने से बड़े बूढ़ों की मदद करनी चाहिए. हेल्प ओल्ड पीपल. नाउ कम, डू नॉट स्पिट. कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, इससे भी जर्म्स फैलता है. शेयर थिंग्स विथ अदर्स. आपको पता है, आपको बांटने की, शेयर करने की आदत रहेगी तो ये बहुत ही अच्छी आदत है. मान लीजिए आपके स्कूल में कोई आपका फ्रेंड लंच नहीं लाता, आप उससे अपना लंच शेयर कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है ना. वी शुड लर्न शेयर आवर थिंग्स विथ अदर्स. नाउ सी, when we will learn healthy habits and good habits, automatically we will keep ourselves clean. Now see, keeping clean. जब हम healthy habits और good habits सीख जाएंगे तो खुद को साफ रखना क्या बड़ी बात है. Brush teeth twice in a day. Take bath every day. Comb your hair. Wash hands before and after meals. Dress up in neat clothes. Use handkerchief when you cough or sneeze.
Now children, what will be your homework? आपको लिखना क्या है? आप सिर्फ अपने 5 good and healthy habits जो आप डेली करते हो उसके बारे में लिखना. What is your 5 healthy habits? है ना? Brush our teeth twice a day, take a bath, eat healthy food, pray to God and do your homework. Now, come to the rhymes. Wash your hands. Wash, wash, wash your hands. Play our handy game. Scrub and rub. Germs go down the drain. Wash, wash, wash your hands. Play our handy game. Rub and scrub. Dirt goes down the drain. एक्सेंट सॉन्ग का मतलब समझा? अपने हाथ को धोएंगे तब ना हम लोग हैंडी गेम खेलेंगे, और जब हम लोग रब करेंगे, स्क्रब करेंगे और रब करेंगे तो जर्म्स कहाँ जाएगा? ड्रेन हो जाएगा. सो चिल्ड्रेन, लर्न दिस पोयम, रिपीट योर लेसन एंड स्टे हेल्दी एंड सेफ एट होम. थैंक यू चिल्ड्रेन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.